हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो चुका था और 3:30 हो गए थे, अभी टाइम हो गया था निकलने का। तो मैं ये ब्लॉग बहुत ही लेट शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरे दिन से फुर्सत नहीं मिली है। फुर्सत क्यों नहीं मिली है ब्लॉग के लास्ट में मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे नीचे के लिए, नीचे कैब आके वेट कर रही थी और अंशु उसी से बात कर रहा था, कैब वाले भैया से। तो चलिए सीखा, तो वन सेकेंड वेलकम बैक टू माई चैनल अनु स्पेशल ब्लॉग। कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो कुंज कृषु यहाँ पर बहुत ही खुश था, उसे लग रहा था कि उसको जाने, बट नहीं, उसे नहीं जाना था। मामू आ जा रहा है, मीन्स कृषु का मामू, अपने कॉलेज, उसका कॉलेज खुल चुका है और यहाँ पे हम लोगों को छोड़ने आया था। तो अभी जा रहा था और जाते जाते जाने से पहले ना बहुत ही बड़ा लफड़ा हो गया था, जो कि कभी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी उतना लंबा वीडियो नहीं है कि शेयर करके मैं बताऊँ। तो रियल वॉइस में इंजॉय कीजिए और चलिए नीचे मिलते हैं। बंकी बन गए क्या? ये क्या है? कांच। हाय आजा। चोकर का है बता क्या? आजा आजा आजा। चलो बाहर घुमा दे, पिजन दिखा दे। कांच। छोटे से जाना। पिजन दिखा। तुमको क्यों जाना? पिजन। हाँ जफान चला दे। यही है। इसको जाने के लिए जा रहा है। हाँ। उसको पैसा देना पड़ेगा। तो किसको? इनको? दे दो। ऑटो से जाना है, ट्रेन से नहीं जाना है। खुश रहो, मामू को नमस्ते करो। बाय बाबू। नमस्ते किया। खुश रहो, खुश रहो, बाय। हम व्हाट्सएप किए ना तुमको। वो देखो वहाँ पे गुंज, वहाँ देखो गुंज। बाय 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 किसु, करो बाय, टाटा करो बामू को, टाटा कर दो। घूमते रह गए। गाइस, तो मामू चला गया है ना। मामू चला गया अपने बचपन स्कूल। इसको बोला गया है कि बचपन स्कूल जा रहा है क्योंकि स्कूल जाना आजकल चाह नहीं रहा है। ये देखो अभी हो गए हम लोग अकेले। जंप करो। देखो कैसे चल रहा है। कृषु के डैडी ऑफिस चले जाते हैं, शाम को रात को आते हैं। और अंशु था तो खाना वाना बनाने में मुझे बहुत ही ईजी होता था क्योंकि बच्चों को देख लेता था, कुंज का तो सारा चीज़ें कर लेता था। काफ़ी दिन से घर पे भी थी ना, तो थोड़ा सा मन आसक्ति जिसको बोलते हैं आलस, उस तरह का हो गया है। डेढ़ दो महीने से सबके साथ रहना, फिर तो सडन सैंड में धूप है ना। अभी नहीं जाना है, इधर आओ, चलो आ जाओ। अभी चलते हैं घर पे और देखते हैं। कौन जो मामू
क्या था? अब ऐसा हो गया फिर से अपने अकेले वाली हो गई जिंदगी। हम लोग अंशु के साथ ही घर गए थे जब समर वेकेशन के लिए गए थे, एंड उसी के साथ घर पे रहे। फिर मायके गए तो वहाँ पे भी बच्चों के उसके साथ मुलाकात हुई, एंड फिर साथ में यहाँ पे भी आए। एक सप्ताह रुका भी, एक सप्ताह नहीं, मंडे को हम लोग पहुँचे थे, आज सैटरडे है, सैटरडे को चला गया वापस। तो ऐसे अपनी कुछ कुछ ऐसे लगी रहती है क्योंकि कॉलेज वगैरह उसका भी था, एक सप्ताह 10 दिन से उसका कॉलेज भी अब्सेंट हो रहा था। तो जैसे भी मतलब टिकट मिला तो चला गया। और मैं आप लोगों से ना बहुत चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, बातें और कुछ कुछ चीज़ें भी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी धीरे धीरे ब्लॉग आया करेगा, टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता। जैसे जैसे कुछ बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, क्या ही बताएं। सो जो आप लोगों को बता दिया कि अब भाई चला गया है और हम लोग अकेले हैं तीनों जन घर में, अच्छा लगता है कोई साथ में रहता है। सुबह से उठ के ऐसे काम काम काम, और कुंज के साथ ना बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिलती है, मतलब बिल्कुल ही नहीं। अभी वो चलने वलने लगा है ना, तो और भी कुछ करने नहीं देता है, उसके साथ रहना ऐसे वैसे, तो वो सब चीज़ें चल रही है, तो कोई नई जिंदगी है, ऐसे ही चलना है। और मैं आ गई हूँ पुणे, बहुत सारा ब्लॉग अभी डिले चल रहा है, एंड कभी कभी तो अपलोड भी नहीं हो रहा है। तो अभी मायके का ही ब्लॉग कितने सारे हैं, तो अभी वो आपके साथ जो भी मतलब ऐसे होगी वो चीज़ें मैं शेयर कर दूँगी, बाकी का शॉर्ट में डालते जाऊँगी, आप लोग वहाँ से देखते रहिएगा शॉर्ट भी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत सारे वीडियो आने वाला है। मैं आ गई हूँ अभी पुणे, और अब यहाँ का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 2-4-5 ब्लॉग वहाँ का होगा, वो बीच बीच में शूट मतलब शेयर करूँगी, और यहाँ का भी साथ साथ में शेयर करती रहूँगी, क्योंकि ये डिले ना हो नहीं तो फिर ये बहुत डिले हो जाएगा। यही सब चीज़ें हैं। और हाँ, मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट जो भी मुझे मिला था वो वीडियो नहीं आया था, बिकॉज वो वीडियो मतलब वो सामान ही मायके में छूट गया था जब मैं ससुराल आई थी, तो वो अभी आ गया है अंशु के साथ। अच्छा ठीक है, तो उसका भी एक दिन मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्या मुझे गिफ्ट मिला है, मतलब सब जो जितने भी लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया है ना वो सारा से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अरे कुंज जिसको जाकर देखो तो बेटा, उस पर रखो तो कपड़ा, रखो तो मैट। एंड मुझे बहुत तेज सर्दी हो गई है, इतना ये सब चीज़ें दुख रहा है। अभी 3:30 हो रहा है, इस टाइम से ना सोने का टाइम है ना सोलाने का टाइम है। अब बच्चे नहीं सोएंगे तो शाम को 5 बजे सो जाएंगे। क्रिशु वो नहीं बेटा, मैट रखना होता है, तो छोड़ दो मत रखो। कौन इधर आइए, क्या कर रहा है? तो वो सारा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके थ्रू जब जब शेयर करूँगी ना तब तक उसके उस पर जो बातें आपको बतानी होगी बताते रहूँगी। तो कर देते इस वीडियो को यही बैन, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इंजॉय कर सकें हमारी लाइफ कैसे जा रही है वो चीज़। एंड क्रिशु कुंज के वीडियो मैं बहुत सारा शॉर्ट में भी अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत ऐसे वीडियो मैंने शूट भी नहीं किए, शॉर्ट लेके रखी, तो प्लीज़ शॉर्ट भी चेक किया कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से के साथ, एक अच्छे से वीडियो के साथ, एंड मन फ्रेश माइंड के साथ। अभी तो घर परिवार फैमिली सामान अनपैकिंग यही सब चल रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं शूट किया है। एक दिन मैं अच्छे से बता दूँगी मैंने क्या क्या काम किया है आने के बाद, क्या क्या हुआ है। तो चलो इस ब्लॉग को कर देते हैं, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर, मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय।